आप याद करो 5 जून, 5 जून याद करो क्या हुआ था 5 जून को हिंदुस्तान में, बताओ। लॉकडाउन था उस वक्त, अरे था कि नहीं था? लॉकडाउन था हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान परेशान था। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली में कोविड की का समाधान आ सके उसकी तैयारी कर रहे थे। लाखों करोड़ों मजदूर रास्ते के माध्यम से सड़क में पैर में छाले लिए घर जा रहे थे। आप याद करो 5 जून, और उस 5 जून को माननीय मोदी जी क्या कर रहे थे आपको पता होना चाहिए। माननीय मोदी जी 5 जून को अदानी और अंबानी के दलाली कर रहे थे साथी। 5 जून को अंबानी और अदानी के दलाली करते हुए 3 किसान विरोधी कानून जोर दरवाजे से लेकर दिया। यह है भाजपा की सत्यता। मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं, कब पूछे उनसे, भाजपा वालों से पूछता हूं, बताओ ना भाई क्या जरूरत थी 5 जून को, क्या जरूरत थी, किसने मांगा था आपसे, किसका प्रेशर था। आज पूरा हिंदुस्तान के किसान सब रो रहे हैं, 38 दिन से किसान बॉर्डर पे बैठे, लेकिन इनको तनिक भी उसका अफसोस नहीं है। इस देश का अन्नदाता आज इस कगार पे पहुंच चुका है, खून के आंसू रो रहे हैं। जिन्होंने इनको बिठाया उनकी ना सोच रही है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रोनी कैपिटलिस्ट पूंजीपतियों की सरकार बन के रह चुकी साथी। यह है इनका असलियत। तो मैं इस गांव, चूंकि गांव का माहौल है, कई सारे साथी किसान होंगे, और ये इनको तनिक भी शर्म नहीं आती। जो आज किसान यहां पे है उनके बेटे बॉर्डर पे जवान है। आप सोचो, जो हरियाणा के किसान का बेटा बॉर्डर पे जवान है, पंजाब के किसान का बेटा जो बॉर्डर पे जवान है, उसके मन पे क्या बीतती होगी कि उसके पिता, उसकी माता, उसके घर वाले इतने ठंड में सड़कों पर बैठे हैं अपने हक मांगने के लिए। साथियों, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, मैं आप सब से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसान रहेगा तो हम सब रहेंगे। आप याद करो जो तीनों कानून है, जहां जहां आम आदमी पार्टी पूछती हुई, बताओ अरविंद केजरीवाल जी पूछते पूछते थक गए कि एक तो फायदा बता दो इसका, इन कानूनों से एक फायदा बता दो जो किसानों को होगा, ये बता नहीं पा रहे। उल जनूल बोल रहे हैं, किसान आतंकवादी है, किसान देशद्रोही है। अब इसका बेटा सैनिक पे पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहा है, चाइना के सैनिकों को मार रहा है, उसके दिल पे क्या बीतती होगी अगर उसके पिता को आतंकवादी कहोगे सर। ये क्यों मरने वाली बात है इनकी? तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं, अगर ये तीनों कानून वापस नहीं हुए, अब याद करो अभी आपके हाथ में जब दुकान पर जाते हो चिप्स लाने के लिए, वो चिप्स का छोटा सा पैकेट कितने पैसे का आता है जी, कितने पैसे का आता है? 200 रुपए किलो करीब करीब रेट हो जाता है। किसान साथियां बैठे हैं, आलू किस भाव से बेचते हो आप, क्या मिलता है आपको आलू का, क्या मिलता है जी आलू का? 10 रुपए। सो 10 रुपए किलो किसान को और 200 रुपए किलो आपको। यह है मॉडल, मोदी जी का मॉडल यही है। मतलब अगर एक साल ये कानून रह गया तो औना पौना दाम किसानों को मिलेगा और आपको 400-500% बढ़कर के वही चीज आपके घर में आएगी, भुखमरी आ जाएगी देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गुलाम हो जाएंगे हम सब। रेलवे इनके, इन्होंने रेलवे प्राइवेटाइज कर दिया, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दिया। जाओ दिल्ली एयरपोर्ट में, लिखा है अदानी एयरपोर्ट। क्या लिखा है? अदानी एयरपोर्ट। क्या इसी के लिए हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था? साथियों, आप सब इस बात को मन में गहरा करके जहां जहां आपको मौका मिलता है किसान आंदोलन में जरूर हिस्सा लें। किसान अगर बच गए देश बच जाएगा, किसान अगर बच गए भारत माता बच जाएगी, किसान अगर बच गए तो हम सब बच जाएंगे। और जहां कहीं भी मेरे साथी सुन रहे हो, जहां कहीं भाजपा समर्थित साथी सुन रहे हो, आप लोग भी इस बात को गांठ बांध लो, किसान आंदोलन किसी एक पार्टी का नहीं है,
ये हम सब की अस्मिता का सवाल है, हम सब की जिंदगी का सवाल है साथियों। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हाथ उठा करके मेरा मेरी बात का समर्थन करने का प्रयत्न करें। क्या आप सब साथी किसान आंदोलन का हिस्सा बनने को तैयार है? हाथ खड़ा करके बताइए मुझे। अब इसकी फोटो भेजो भाजपा के पास कि भाई गांव गांव में ये माहौल है कि भाजपा ने जो किसान विरोधी तीन कानून बना दिए, गांव गांव को समझ में आ गई है। भाजपा वाले कहते हैं कि भाई किसानों को समझ में नहीं आई है, तो किसी ने बच्चा कहा किसानों को समझ में आ गई है, इसीलिए तो विरोध चल रहा है। किसानों को समझ में आ गई इसलिए विरोध चल रहा है।